सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? लाडलो, टाइम हो गया है 10:09, किसी और का फ़ोन है तो ये भाई साहब अपने मेहनत कर रहे हैं। भाई साहब एड्स ऑफ आपको, वैसे मेहनत एक बंदा और कर रहा है अंदर। साहिल भाई कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी? हाँ। फिलहाल हमने रूम बदल लिया, देख लो सब कुछ बदल चुका है। वैसे नाइट में रूम दिखाया कि नहीं दिखाया? बदल चुकी है, देखो। एंडी राइडर ने अपनी मुच्छा का जुगाड़ बदल लिया। बाकी फिलहाल यहाँ से जो गैलरी है ना, अल्टीमेट है, ये तीनों मजे ले रहे हैं क्योंकि ये तीनों इस रूम में अवेलेबल नहीं है। भाई साहिल रेडी होएगा तब चलेंगे। वैसे सबसे ज़्यादा लेट साहिल हो रहा है क्योंकि जब वो रह रहा था और मैं रह रहा था नाने, क्योंकि मैं नहा लिया था और वो ऊपर चला गया कॉफी पीने। फिलहाल हमारा छोटा सा दोस्त ये रहा, मजे ले रहा है फुल। बाकी इसको बहुत बुलाया हमने, बताया पैडी लगा के आ जा भाई। तो भाई अंदर आ चुके, बाहर तो बारिश है। ये यहाँ पे पुल है, ये 50 रुपये लेते हैं एक गेम का। वैसे आप जो भी शर्त लगा सकते हो, चप्पल मारने का या फिर पैसे का। चप्पल कौन खाएगा? हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कर दो, स्ट्रे ब्लॉगर। और कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप ये बड़ा सेक्सी बंदा यार। भैया बड़े बढ़िया हैं भैया के। भाई बढ़ाओ, बहुत कम चल रहे हैं अभी, ठीक है ना? तो फिलहाल बाइक्स वाइड एंगल में सब दिख गया, बाइक्स रेडी हैं, मतलब कह रही हैं चलो चलो चलो। लो भाई फाइनली सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं, सबने जैकेट उतार दी। कुछ चिड़ी के हैं जो जैकेट अभी भी पहने हुए हैं। भाई सच बताओ ना, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया हमने जैकेट उतार के। मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना इस एयर में बाइक चला के, ऐसा लग रहा है मतलब अलग ही जगह पे आ गए, बहुत मज़ा आ रहा है। तो भाई मस्त सीन आ गया। देखो अभी ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये देखो रोड, उसके ऊपर रोड, उसके ऊपर एक और रोड, उसके ऊपर एक और रोड। भाई क्या जबरदस्त नज़ारा है। मैं यहाँ पर ड्रोन शॉट ले सकता हूँ बट यहाँ पर थोड़ा सा कोहरा है यार, वरना जबरदस्त ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट आता। हाँ क्या बात, अरे वायर की टेंशन होती है थोड़ी सी। जस्ट अभी पीछे एक चौक था, यहाँ से जाते हैं राइट साइड में मंसूरी, लेफ्ट साइड में जॉर्ज एवरेस्ट, और अभी जा रहे हैं हम क्लाउड एंड की तरफ। यहाँ पे आगे जाके ना पूरा ऊंचाई पे आ जाता है। यहाँ पे मैं गाड़ी लेके आया था अपनी करोला, भाई साहब इतनी चढ़ाई है, बीच में मौसम तोड़ दिया, मैंने बैक लेनी पड़ गई थी और वो भी डीजल की गाड़ी। लेकिन भाई गलती गाड़ी की नहीं है, 6 बंदे लदे हुए थे उसमें। उसका दलिया निकाल रखा था, अगर ज़्यादा स्पीड से भगा के चढ़ाता तो उसके सस्पेंशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता, तो मैंने थोड़ी सी स्लो चलाई थी, इस वजह से बैक लेनी पड़ गई थी। यहाँ से ऊपर जो आपको दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, वो है जॉर्ज एवरेस्ट। मैं वहाँ पे गया था, काफ़ी ट्रैकिंग है, अच्छी है। मतलब ट्रैकिंग करने के बाद बैठ जाइए होता है, थक जाता है इंसान। मतलब यहाँ पे ना एकदम से ऊंचाई नहीं चाहिए, और रास्ते में ना आगे जाके गड्ढे भी आएंगे, ऑफ रोड भी है। पता नहीं अगर ठीक ना किया हो तो ऑफ रोड जरूर आएगा। हाँ क्या क्या आ जाएंगे, चल लोकेशन भेज देंगे। यहाँ से देखो कितनी चढ़ाई है यार, मतलब छोटी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये देखो भाई मज़ा आ जाएगा। मतलब पूरा पतला सा रोड है, देखो यहाँ पे गाड़ी मोड़ते टाइम गाड़ी भगानी भी है और आपको मोड़नी भी है, दोनों काम एक साथ करने अगर गाड़ी में आ रहे हो तो। चढ़ाई देखो रे यार यहाँ पे, मतलब भली भली गाड़ी की मतलब घिसट जाए। देखो सारी गाड़ियों के टायर घिसड़े हुए हैं, इतनी ढलान है। मैं पहला गियर लगा के छोड़ रहा हूँ तो फुल भाग रही है, फिर भी इंजन ब्रेकिंग होने के बावजूद फुल भाग रही है। मतलब ऐसी जगह पे आपको गियर लगा के छोड़ना पड़ता है, वरना ब्रेक्स आपके बहुत जल्दी। ओ भाई क्या बात है, इतनी ढलान। पंजाब से बाइक पे
इधर से ही आए हो या मंसूरी से ही आए थे? भैया मैं पहले उत्तरकाशी था, मंसूरी से आ रखे हैं। अच्छा, फिर वहाँ से इधर आया। अच्छा और सब ठीक है, मजा आ रहा है? आप मेरे भाई को मिले हो? अच्छा, जब बब्बू भैया आए थे। हाँ, फाजिलका बॉर्डर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई मेरा यूट्यूब पे रहता ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पे मिले होगे उसको। अच्छा, आपके साथ ही है? हाँ ये भाई मेरे साथ ही है। अच्छा, रस्ते में मिले थे या वैसे ही रस्ते में मिले थे? ऐसा यूपी पंजाब? अच्छा अच्छा अच्छा, एंजॉय कर रहे हो फुल? हाँ सारे आ रहे हैं। पैर देख कितने आगे हैं, अरे मारेगा चिड़ी के, देख कड़क गया है भाई। मेन चीज है यहाँ पे, मैं फोटो खिंचवाने के लिए रुका था, बट आपको देख रहा होगा कैमरे में और उससे आगे की फोटो बिल्कुल भी साफ फोटो नहीं आएगी, बट मैं रुकवाने वाला फोटो खिंचवाने के लिए रुका था, बट सब खिंचवा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक व्लॉगिंग कर लेते हैं, मतलब ऐसा माहौल हो रहा है यहाँ पे। अगर आपका राइडर थोड़ा सा भी आगे जा रहा है तो खो जाता है, गायब हो जाता है। ये देखो, मतलब पीछे देख रहे हो आप उधर की तरफ, ये देखो थोड़ा सा दूर जाता ही आपका राइडर गायब। भाई नीचे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल ही बादल है। आपको खड़े होकर दिखा रहा हूँ, देखो एक हाथ से खड़े होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सारा वेट है ना जो आगे है हाथ पे आ रहा है, और मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको दिखा रहा हूँ नज़ारा लेफ्ट साइड में। आई पत्थर गिरे, मतलब साहिल कनेक्ट हो गया, मतलब पत्थर गिरे साहिल कनेक्ट हो गया। कितनी जबरदस्त लोकेशन है ना यार, बद्राज ये टेंपल जाते हुए ये लोकेशन आती है। आपको आना चाहिए, जब भी आओ ना बद्राज टेंपल एक बार जरूर आना। गाड़ी के तो भाई सांस फट जाएगी, बाइक पे बड़ा मजा आ रहा है। छोटी सी रोड है, प्यारी सी रोड है, क्लाउड्स के अंदर घुसे हुए हो सकता है जब आप आओ क्लाउड्स ना मिले, क्योंकि ये प्रॉपर हमेशा होते नहीं है ऐसे, बट आज नहीं कल से क्लाउड ही क्लाउड है। बट इसका बस एक प्रॉब्लम हो रहा है कि हम ड्रोन शॉट नहीं ले सकते कहीं भी, क्योंकि क्लाउड में क्या ड्रोन शॉट आना है, कुछ भी नहीं आएगा। बाकी वो रह गए पीछे, पीछे छः बंदे रह गए, आगे पांच बंदे रह गए, मैं बीच में हूँ। तो मैं भी छोड़ गया, काफ़ी देर होगी वहाँ पे फोटो सेशन ले रहे थे वो। मैं यार चलो कुछ, अब यहाँ पे तो मैं काफ़ी देर हो गया नज़ारा देखते हुए, अब आगे देखते हैं कैसे नज़ारे हैं। वैसे नेटवर्क नहीं है यहाँ पे जियो का। वो यहाँ पे तो कैंपिंग करने का अलग ही मजा है। गेर 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 बंद कर ले बाइक और क्लच को दबा के। हाँ अब क्लच दबा के आने दे। मेन चीज़ है यार कि जो रोड था ना वो अल्टीमेट था, मतलब मज़ा आया। बाकी इंट्रूडर की हवा टाइट होगी, काफ़ी जगह बंद भी होगी, बट थोड़ा सा यार राइडर भी थोड़ा सा नया है, बट कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारे आ चुके हैं, सेफली आ चुके हैं, बट जाते हुए भी थोड़ी सी दिक्कत होगी इंट्रूडर को। बाकी सारी बाइकें ओके हैं, और अभी यहाँ से पैदल का रास्ता है। कितनी देर का रास्ता है भाई? बगल में तैयारी लो भाई, एंगल अलग अलग है ना, सारे आ चुके हैं ऊपर। और देखो मेन चीज तो ये है कि हाँ करके थकान मिटा चुके हैं। वैसे हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाय कूद मारो नीचे। अभी कुछ नहीं कह सकते गुरुजी, अभी जो है अभी कोई गाइडलाइंस ऐसी आई नहीं अभी ना। वैसे तो बहुत ज्यादा शांति है, बट चिड़ी ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा चिड़ी के। मिर्च, हाँ टमाटर प्याज चलेगा, मिर्च मत डालना,
तो भाई मैं आगे आ चुका हूँ, वो रह गए सारे पीछे। बिल्कुल शांति है यार यहाँ पे, मतलब बैठने की कितनी सुंदर जगह है। बाकी सब पीछे रह गए और अभी मैंने की है मैगी ऑर्डर। तो भाई अपनी मैगी आ चुकी है और उन बंदों की भी आवाज़ आ रही है, मतलब चिड़ी के सारे वहाँ पे हैं। और वहाँ पे पीछे थोड़ी सी ना झील है, थोड़ी बहुत छोटी सी, वहाँ पे अपन ने इंस्टाग्राम की रील बनाई थी, वहीं पे होंगे, वीडियो फोटो वगैरह बना रहे होंगे। आपा खा लेते अभी मैगी और शायद वो भी आके खाएंगे, कह तो रहे थे। बाकी आपा मैगी इंजॉय करते हैं। मेन चीज़ होगी कि डोमिनार की क्लच टूट गई, इन्होंने गिरा दी बाइक, मतलब खड़े खड़े गिरा दी, क्लच टूट गई। अब इसको धक्का मार मार के पहला गियर लगाना पड़ेगा और जहाँ पे बंद हो गई पहले गियर में, फिर ये हाफ क्लच भी नहीं यूज कर सकता। ज़्यादा दूर तक ऊंचाई है। तू बैठ तू बैठ, हम लाओगे तू गियर ला दिए रेस दे के। एक पकड़ो आप, एक उधर ऐसे। ब्रेक तो छोड़ दे। अभी तक तो सही चल रहा है लड़का बिना क्लच के, क्योंकि देखो रोड कंडीशंस कैसी हैं। रोड कंडीशन तो क्या, ऑफ रोड कंडीशन कैसी है, शाबाश। बस यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा चढ़ाई है, वो होगी, वो ही हो जिसका डर था, वही हो गया। ये जो राइट साइड में जो रोड जा रहा है नीचे की तरफ, ये ज्यादा जोर एवरेस्ट, और लेफ्ट साइड में मंसूरी, और हमें जाना है यहाँ से जो कि बारी बार हमें निकालेगा देहरादून। इतनी फॉग हो गई भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा, वाइजर खोल के चलानी पड़ रही है। एक आधी जगह तो, मतलब कुछ जगहों पे तो ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल बस ब्रेक मार दे भाई, आगे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बहुत ज्यादा फॉग है यार, कमाल हो रहा है। मतलब ऐसे तो हमारे ठंड के टाइम होता है, मतलब जब सर्दियां होती है ना तब ऐसी फोग कभी कभी पड़ती है, मतलब बहुत कम पड़ती है। ये तो ऐसे हो रहे जैसे बम्पर टू बम्पर दिखता है ना, इतनी धुंध हो रही है। लो भाई फाइनली रूम में पहुंच चुके हैं, अपनी चाबी आ गई, मतलब साहिल आ गया, चाबी भी आ गई, और भाई साहब अल्टीमेट, और इसने अपना क्लच तोड़ लिया है। अच्छा क्लच आ गया, आ गया, क्या बात है भाई, क्लच वायर आ गया, मतलब क्लच लीवर आ गया, सेम वही है, सेम वही है। मैं भी आपकी बाइक से, अच्छा मैं देख रहा, मगर रूम पूछने आया, मगर रूम है, अच्छा फिर देखा मैं पहने थे, मतलब डिजाइन तो अमित भाई का ही है। फिर देखे, फिर साहिल भाई देखे, मखा अरे भाई मजा आ गया मिलके भाई, भाई गले मिलते हैं। बहुत मिले भाई, अब के बार एक बार मैंने हर बार मंसूरी आता हूँ ना, बहुत सारा प्यार बटोर के जाता हूँ। एक बार मैंने आपको पहले भी आवाज मारी थी, अच्छा आप हमारी फैक्ट्री के आगे से निकले थे, कब? ये काफी पुरानी बात है, मतलब हो गया 7-8 महीने हो गए कोरोना से। हेलमेट इतना टाइट होता है, एग्जॉस्ट इतना लाउड होता है, वो मेरे ख्याल से पीछे से लाउड हॉर्न मारेगा तो भी पता लग, तो पता लगेगा हाँ कुछ है, आवाज नहीं सुनती। अगर हाँ आगे से कुछ कोई हाथ लाता वो करता हूँ ना, तो मैं थोड़ा देखता हूँ, अगर वही सारा करेगा ऐसे ऐसे तो रुक जाता हूँ। अरे भैया दिल खुश हो गया आज। आपका नाम क्या? सागर धीमान। सागर आप कहाँ से है? मैं यमुनानगर, यमुनानगर से। ठीक है,
वो एचडी के मेरे पबजी के खिलाड़ी है। अच्छा पबजी के खिलाड़ी है। अच्छा वो मेरे को अरे नहीं वो उन्होंने पकड़ा जो अंदर रहे। अच्छा जो भी मिल गए थे भाई बहुत अच्छा लगा। मैं डाटा कॉपी कर रहा था भाई को 10 मिनट से 5 मिनट वेट करना पड़ा उसके लिए सॉरी। अरे नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो आप के लिए 10 मिनट का 10 मिनट रूम मिल गया यहां पे नहीं अब आगे देखेंगे हैं आगे देख रहे हो अब गाड़ी में। हां गाड़ी में कौन सी गाड़ी वो i10 चलो बढ़िया भाई ऐसे मिलते रहा करो बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू में तो यार डाटा कॉपी करने लग गया था फिर बीच में छोड़ के आ नहीं सकता था वैसे फोन तो आ गया था बट मैं चलो कोई नहीं अब जा गया तो मेरे को क्या पता था इतने प्यारे प्यारे भाई आए वो भी आए हुए उनसे भी मिलेंगे। एक तो मसूरी ऊपर से मौसम ऊपर से आप मौसम तो पता नहीं। हां मैंने आपको जहर कर रखा है मैंने अल्टीमेट कर आंख सही करे ना ना आराम से जाना कैसे जाना सेफ राइड भाई। मेरे दो प्यारे भाई सॉरी चार प्यारे भाई जो दो अंदर है ये अपना भगत जी दिल्ली से है ना उत्तम नगर भाई उत्तम नगर से कितनी बार आ गया जाए लिए कई बार कह दी रुक जो फिर मिलना आना था भाई मिलना ही आता तो उत्तम नगर कैसे मिलते हैं ऊत आदमी यहाँ के मिलते हैं सारे और के मेरा काम मिल जाए किस्मत। सही बात है भाई बहुत अच्छा लगा पता भी नहीं था कि यहाँ पे आके मिलेंगे और एकदम से सरप्राइज हो गया मैं भगत जी। वैसे पबजी में बहुत खेले थे ये मरे बैठे आई बारी ओडे जाना जड़ा आदमी मरे मरे ऐसी ऐसी बिल्डिंग लगा के बैठे बंदे चारों कोण में ने कोई मजा आना इस बिल्डिंग में स्कूल वाली में चितवा दे मजा आवे देखो आई बारी ओडे ले जाके चितवा दे कैंप पर है भाई ओडे मतलब कई बार कई मिल लो एक बार आप तुम लोग जाओ फोन मार दो एक बार मैसेज डाल दो मिल गए भाई किस्मत ऐसी होती है अजीब गरीब कहां पे मिला देती है समझ में नहीं आता। बाकी बहुत अच्छा लगा यार हर बार मैं जब आता हूं कोई ना कोई मिल ही जाता होगा भाई ऐसे मिलते हैं मेरे उम्मीद नहीं होती है वहां से आ जाता है वहां से आ जाता है मतलब बहुत अच्छा लगता है यार कोई भाग के पकड़ता पिछली बार भाग के पकड़ा था मेरे को केटीएम पे भाई यार अलग ही मजा है जो बंदा बढ़िया हो ना रुके हुए कोई सही बात और मैं किसी को ना छोड़ो बाकी भाई बाकी भाई समझदार सब है। अच्छा खाना वाना हमने सबने खा लिया खाना इसलिए नहीं दिखाया यहाँ पे म्यूजिक वगैरह का चला रखा था कॉपीराइटर था कोई फायदा नहीं था टाइम लैप्स इसलिए लिया क्योंकि भाई साहब धुआं ही धुआं कर रखा था पूरे हम तो क्या करें चुप चले नीचे जाके डाटा कॉपी कर रहे थे एडिटिंग करेंगे एंड करेंगे जब करेंगे जब करेंगे बाकी सब आ जाते हैं जब करेंगे बाकी भाई लोग आगे मतलब यहाँ पे भी लोग ऐड करते थे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और बारिश देख लो लगातार हो रही है भाई मौसम करके पूरे ठंडे चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।